हेलो गाइस, यार न्यूडियो आ चुके हैं। सो गाइस, यार न्यूडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करे और कमेंट जरूर करना। अरे प्रियांश भाई, देख मैं आज कार लेकर आया हूँ यार, न्यू लैम्बोर्गिनी। कैसे लग रही है तेरे को? अरे हाँ यार भाई, ये गाड़ी तो मुझे टॉप मॉडल लग रही है। चलो यार, मैं इसको चारों तरफ से देख के भी आ जाता हूँ कैसी तेरी गाड़ी है यार, कितनी स्मार्ट है यार। पर गाड़ी यार बहुत दिखने में बहुत स्मार्ट लग रही है मुझे यार। अरे हाँ हाँ, गाड़ी को देख कर तुम्हारी तो यार, तुम्हारे लिए ही तो लेके आया हूँ, हम दोनों घूमेंगे यार साथ में। अरे मुझे पता है तू साथ में क्या घूमेगा, उस ऑटो ड्राइवर के लिए रुका हुआ है यार। वो जैसे ही आएगा ना तो तू उसके साथ आएगा, उसे भाई भाई अपना बाप बनाएगा। अरे यार, वो हमारा बचपन का फ्रेंड है ना यार, इसलिए आने दे यार उसे। अरे यार समझ नहीं आता तू इस गरीब के लिए यार इतना हमदर्दी क्यों दिखाता है यार। वो तो साला गरीब है, उसके पास पैसा भी नहीं, तेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी भी है। हर्षित भाई, तू गाड़ी लेके आ गया? अरे यार कितनी शानदार गाड़ी है यार, इसे एक बार मेरा देखने का फर्ज तो बनता है ना गाइस। यार मैं इस गाड़ी को देख लूँ क्या? अरे भाई, गाड़ी तेरी है यार, आराम से देख, नो टेंशन, तेरी तो है यार। अरे हर्ष भाई यार, गाड़ी तो एक नंबर ही है यार तेरी। चलो मैं यार उसे देखता भी हूँ यार। ये देखो मेरी टैक्सी से कितनी शानदार लग रही है यार, वाव क्या गाड़ी है यार, एक नंबर। आराम से देख यार, गाड़ी तुम्हारे लिए तो लाया हूँ यार। वाह भाई वाह, क्या गाड़ी लाया है रे तू, एक नंबर। ये देख मैं सेठ की गाड़ी चलाता हूँ, साले पीपा पीपे की तरह बसती है साले, कोई मतलब की नहीं है। भाई ले चल यार, पार्टी करने चलते यार। अरे नहीं नहीं यार भाई, अभी नहीं जाना है मुझे यार। एक्चुअली यार सेठ के घर पे ये गाड़ी भी खड़ी करनी है मुझे, और उसको यार दिन भर का जो किराया हुआ ना तो वो भी देना है यार। चलो मैं यार उसके पास सबसे पहले उसको जमा करा देता हूँ, वरना एक घंटा लेट हुआ ना तो साला बहुत डांट लगाएगा। तुम ऐसा करो सेठ के घर के पास आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अरे भाई जैसी तेरी इच्छा यार, हम आ जाएंगे तेरे को वहीं लेने। लेकिन यार तू रोज पैसे इन्वेस्ट क्यों करता है गुलाब के फूल में? अरे यार भाई यार, क्या 10 रुपए मैं तेरे लिए लाता हूँ यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और एक्चुअली अभी मैं चलता हूँ, मैं आ जाना, भूल मत जाना मुझे लेने के लिए, चलता हूँ। क्या यार उस गरीब को हम लेने जाएंगे? अरे भाई तेरे जैसे वो भी मेरा दोस्त है यार, तू ऐसा क्यों करता है यार? सेठ जी गाड़ी लेके आ गया, जल्दी से जाओ और गाड़ी को चेक कर लो, पता नहीं इसमें क्या खराबी है, मतलब इंजन खर 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 कर रहा है बार बार, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे भूतनी के, जब तक हो तब गाड़ी को खराब कर देता है तू, शर्म नहीं आती तुझे? काम से निकाल दूंगा, तेरी पगार भी काट लूंगा, समझ नहीं आता? और हाँ, ऊपर से साला पैसे नहीं दूंगा, अभी बता रहा हूँ। अरे साला ये मेरे दोस्त को बुरा भला क्यों बोल रहा है यार? अरे साले इसके पैसे कौन देगा, तेरा बाप देगा क्या पैसे, खराब कर दिया ना तूने। ओए मेरे दोस्त को क्या बोल रहा तू, अपना आपको होशियार समझता है? सेठ हुआ तो क्या हुआ? ओए तुम अपने दोस्त की इतनी सह चढ़ रहे हो ना, इसे साथ में लेकर जाओ ना, मेरे पास क्यों रखो, मुझे नहीं रखना ऐसे। और कौन है ये? मैं बताता हूँ, इसके दोस्त है हम, और कल इसका बर्थडे इसलिए लेना आया इसे। अरे लेके जाओ ना, नहीं इसके काम की जरूरत, अगर तुम नहीं आते ना तो काम पे भी रख लेता। अब निकलो यहाँ से, तुम आ गए ना, नहीं रखना चाहता, भागो यहाँ से। अरे प्रीति यार, वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या? तू बोल रही थी ना अच्छा सा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा सा काला काला है, वो अभी तक ना आया? अरे नहीं, मैंने उसे कॉल करके जरूर बोल दिया है कि कल मेरे से मिलने आना, मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, तो वो काम क्या करता है ये तो बता दे मुझे। अरे हाँ मैंने भी पूछा था, पर उसने बोला कि गवर्नमेंट जॉब है इसीलिए। अरे गवर्नमेंट जॉब है, जब तो हमें उसके साथ एक सेल्फी खींचनी चाहिए उसके साथ। सेल्फी खींचनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया तुझे तो। अरे वाह यार, तुझे तो गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया, अब तुझे कालारी और पोगेट्री लेके जाएगा, मजा आएगा यार, वहाँ की जगह बहुत शानदार है, एक नंबर यार, क्वालिटी अच्छी है वहाँ की। अरे हाँ, पर आज उसका बर्थडे भी है, आने दो आज उसको, सरप्राइज भी देना है ना। हाय प्रीति, तुमने बुलाया ना, मैं आ गया। ओए
ऐसा तेरा बॉयफ्रेंड? अरे ये तो वही एक दिन हमें रिक्शा में बिठा के छोड़ने गया था। अरे प्रीति कैसा सुगला बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, कालिया कहीं का। अरे यार ये ऑटो चलाता है, मुझे तो पता ही नहीं, इसने तो बोला था गवर्नमेंट जॉब है, साले तूने झूठ कैसे बोला। अरे यार प्रीति अगर तुझे सच बोल देता ना तो तू मुझे छोड़ के भी चली जाती और मेरा कोई मतलब भी नहीं होता। तेरी ख्वाहिश सब पूरी करता हूँ ना मैं, मुझे जो भी पैसा मिलता है ना उससे तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ जीप चला के। अरे यार इसके साथ रहेगी, तेरा दिमाग खराब हो गया कैसे, अभी छोड़ और यहाँ से निकल, आज बर्थडे है ना इसका, तू बोल रही थी ना इसको गिफ्ट भी देना है, सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा, इसको छोड़ के चली जा, ब्रेकअप कर ले इससे। अरे प्रीति इनकी बातों में मत आ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और तेरी सब ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ, तुझे बहुत खुश रखूंगा। अरे हाँ यार ये लोग सब सही बोल रहे हैं, अगर तेरे साथ रही ना मेरी लाइफ भी खराब हो जाएगी, पर हाँ मैं तुझे अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, तेरी बर्थडे है ना इसीलिए मैं आज से तेरे से ब्रेकअप करती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, जिंदगी भर याद रखेगा तू गरीब कहीं का, साला गरीब है गरीब, तू काला है ना उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, पर तू ऑटो ड्राइवर है ना इससे बहुत दिक्कत है, गरीब है तू। अरे प्रीति मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया हूँ। नहीं यार मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, यार ऐसा मत करो, मेरा कोई भी नहीं है, तेरे लवे और मेरे दो दोस्त है। अरे चल ना यार इस गरीब की बातों में क्या लग रही है, चलो यहाँ से, साला गरीब कहीं का ऑटो ड्राइवर कभी अमीर नहीं बन सकता, साला कालिया कहीं का। ठीक है ऑटो ड्राइवर चलती हूँ बाय। अरे यार ये भी छोड़ के चली गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे दो दोस्त है ना उनके पास चलता हूँ, वो आज मेरा बर्थडे पे केक काटेंगे, वो ना नाराज हो जाए, जल्दी चलना में फायदा है, वरना वो भी नाराज हो गए ना पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे भाई मैं तुझे पहले बोल रहा हूँ ना उसके साथ मत रहे, और उस गरीब को क्यों अपना दोस्त बना रहा है, तुझे पता है वो एक दिन गरीब का गरीब रहेगा, तेरी इज्जत खराब करता है वो। अरे यार तू सही बोल रहा है, लेकिन उसका आज बर्थडे ना, तो केक काट के फिर छोड़ देंगे यार उसे, फिर चले जाएंगे। अरे यार भाई तूने सही किया है, मुझे लगता है जिंदगी में तूने पहली बार अच्छा फैसला लिया है, आज आने दो उसको छोड़ के जाएंगे। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे सो थैंक यू भाई यार, जो तुम मेरे लिए वक्त निकाल के आए हो यहाँ और मेरे लिए केक भी लाए हो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ये ले भाई मैं तेरे लिए गुलाब का फूल लाया हूँ ना, एक बार ले ये मेरा गुलाब का फूल ले ले भाई, तूने मेरे बर्थडे पे केक लाया, मैं तेरे लिए गुलाब का फूल लाया। चल चल टाइम नहीं हमारे पास, केक काट ले तू जल्दी। अरे यार भाई तुझे क्या हो गया आज यार, ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है। चलो यार मैं तुम बोलते हो ना तो केक काट लेता हूँ यार, ये ले सबसे पहले तू खा यार केक, ये ले अब थोड़ा बहुत तू भी खा ले। अब भाई यार मेरी बात सुनो, मेरे पास पार्टी के पैसे नहीं है यार, मुझे माफ कर देना यार। भाई मैं तुझे तेरे बर्थडे पे आज गिफ्ट दे रहा हूँ कि मैं तेरे से दोस्ती तोड़ रहा हूँ, और हाँ आज से हमारे भरोसे मत रहना तुम। अरे यार भाई यार तुम सब लोग ऐसा कैसे कर रहे हो मेरे साथ, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, तुम भी छोड़ के चले जा रहे हो, कारण क्या है ये तू बता दो। क्या कारण बताऊं मैं तुझे तेरे साथ रहने का, साले तेरी वजह से हमारी इमेज खराब होती है, ऊपर से ऑटो ड्राइवर साला टैक्सी ड्राइवर चलाता रहता है ऑटो, मेरे ऑटो में बैठो 10 रुपए लगेंगे 20 रुपए लगेंगे तेरे जैसे के पास कोई नहीं आएगा और गरीब का गरीब रहेगा, हम चलते हैं भाई। अरे नहीं भाई, अरे मुझे छोड़ के मत जाओ यार, अब क्या करूं यार ये सब छोड़ के चले गए, चलो काम ढूंढने चलता हूं, यहां देखता हूं कोई काम हो तो। अरे यार कोई आए ना बाहर तो मैं काम भी ढूंढ लूं, कोई नहीं है यार इधर, अब क्या करूं। भाई यार हमारी जिंदगी तो वो थी जब हमारे पास लंबरगिनी कार थी, और आज हमारी जिंदगी उस गरीब की जैसे हो गई है भाई, उस शोरूम में काम मिल सकता है यार हमको। अरे हाँ यार भाई तू सही बोल रहा है, वहाँ काम मिल सकता है हमें, उस गरीब की तरह हमारी भी जिंदगी खराब हो गई यार, मुझे पता नहीं था तूने भी साले अपने घर पे लोन ले लेके ऐसी गाड़ी खरीद रहा है, नए नए कपड़े पहन रहा है, साले मुझे क्या पता तू अमीर है, मैं सोच रहा था तू अमीर है, पर पता पड़ा तू गरीब बन गया पूरा का पूरा। भाई यार उस शोरूम में ट्राई करते हैं यार, और यार मेरी गाड़ी भी वो इंश्योरेंस वाले ले गए उठाकर यार। अरे यार सर जी 2-3 फैक्ट्री में अगर मजदूर हो जाते ना तो अच्छा काम होता, पर हाँ मजदूर ऐसा रखेंगे कि हम गरीब लोगों को रखेंगे, क्योंकि वो दिल और जान से काम भी करते हैं, अमीरों को नहीं रखेंगे साले कुत्तों को। अरे भाई आपके साहब जी को बोलो कि 2 गरीब मजदूर आए हैं उनसे मिलने के लिए। ओके सर अभी आप वेट कीजिए, मैं भी चाहता हूँ और अभी आता हूँ, 5 मिनट्स दीजिए मैं सर से
ठीक है, ऑर्डर लेके आता हूँ कि तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। अगर मिलेंगे तो बोल दूंगा मैं, रुको यही। अरे बेटा सही बोल रहा है तू, दो मजदूर ही चाहिए हमें। अरे हाँ यार, दो मजदूर आएंगे ना सर जी, और को अपना राइट और लेफ्ट हैंड रखूंगा। एक्चुअली यार वो भी नहीं है फैक्ट्री को संभालने के लिए, क्योंकि मुझे मजदूरों की जरूरत है। अरे साहब जी आपसे दो मजदूर मिलने आए हैं बाहर, और वो बोल रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत गरीब है, काम के लिए आए हैं। अरे ठीक है अंदर भेज उनको, बोलना जल्दी आओ मुझे कहीं जाना है। अरे यार दो मजदूर आए हैं, अच्छे होंगे तो राइट और लेफ्ट हैंड रख लूंगा अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी गरीब था ना यार, सेठ जी ने विश्वास करके मुझे रखा, और आज सेठ जी का मैं एक्चुअली दामाद भी बन चुका हूँ, और एक तरीके से बेटा। ओहो आओ ठाकुर आओ, आ गए यार तुम्हारी औकात पे, पता था मुझे तुम ही हो सकते हो वो। अरे भाई तो अमीर कैसे बन गया यार, तेरे जाने के बाद तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई यार। अरे ये सब तुम्हारी बदौलत है, एक्चुअली तुम वहां से छोड़ के चले गए, मैं बहुत घर घर भटका, नहीं मिला, फिर रोड पे बैठा बैठा रो रहा था। जब ये साहब जी मिल गए, इनका गोडाउन संभाला और इनकी बेटी से शादी कर ली। चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो तुम्हें काम चाहिए ना तो इन दोनों टेम्पू से हजार हजार रुपए लेके आने हैं तुम्हें, तभी अपना राइट और लेफ्ट हैंड रखूंगा, सुन रहे हो, जल्दी जाओ और तभी तुम आराम से यीशु आराम करोगे, क्योंकि बुरे वक्त में तुम भी मेरा साथ देते थे, इसीलिए तैयार हो? हम तैयार है भाई, हम तैयार है, हजार रुपए लेके आएंगे आज कमा के। चलो ठीक है यहाँ से निकलो और जल्दी जाओ, सुबह सुबह का टाइम है, भगवान की रोजी रोटी का टाइम है, जल्दी जाओ अपनी रोजी रोटी तैयार करो। अरे बेटा तूने इनको ऐसे कैसे भगा दिया अपने दोस्त को टेम्पू लेके? अरे सर जी यार ये मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, आज इन टेम्पू की वजह से मैं यहाँ हूँ, इसीलिए इनकी औकात दिला रहा हूँ कि टेम्पू कितना अच्छा है।